हे गाइज एम योर फ्रेंड यू आर टीचर निशा शर्मा कैसे हैं आप सब लोग आई होप यू गाइज आर गुड गाइज़ मैं आपको सी टेट का प्रीवियस पेपर बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम पढ़ाते हो बहुत ईजी लगता है लेकिन पेपर थोड़े मुश्किल लगते हैं तो मैं आज आपको ओरिजिनल पेपर ही सॉल्व करवा के दिखाती हूँ कि पेपर कितना ईजी होता है यदि आपने मेरे सभी कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से सुना है ना तो आज आप देखना थर्टी में से ओरिजिनल पेपर के अंदर आपको कितने क्वेश्चन आते हैं सो लेट गेट स्टार्टेड ये जो मेरे पास पेपर है ये पेपर वन है और ये सितंबर 2015 का है बट पेपर टू वाले भी इसे देख लें तो क्योंकि क्वेश्चन है जो मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको उससे हेल्प मिलेगी सो फर्स्ट पेपर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बाइलिंग्वे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन है शैश्व काल की अवधि क्या होती है जो इन्फेंसी होता है उसकी एज आपसे पूछी गई है तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है तो यू ऑल नो वेल बहुत बार मैंने डिस्क्राइब किया है कि इन्फेंसी की एज जो है जीरो से टू मानी गई है जो वैलिड एज है वैसे इंडियन जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं इन्फेंसी की एज जीरो से सिक्स है बट जो ब्रिटेन वाले हैं और जिन्होंने सी लिखी है बेसिकली इंग्लैंड से तो उन्होंने जीरो से टू माना है तो ऑप्शन नंबर दो रहेगा इसका जन्म से दो वर्ष तक इन्फेंसी की एज मानी जाती है और यू नो जो एज ऑफ इन्फेंसी होता है जो शैश व्यवस्था होती है ये एज होती है सेंसिस की एज होती है फॉलो करने की एज होती है जब हम दूसरों को फॉलो करते हैं चीज़ों को समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्याजे ए चाइल्ड बिटवीन टू टू सेवन ईयर इन द स्टेज ऑफ कोग्नेटिव डेवलपमेंट की प्याजे के अकॉर्डिंग जो दो से सात साल के बीच का बच्चा होता है तो यू ऑल नो वेल प्याजे की कोग्नेटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजे हैं चार स्टेज है सबसे पहली वाली होती है सेंसोरी मोटर जो जीरो से दो होती है इसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं जो दो से सात होती है तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्याजे के अनुसार दो से सात के बीच तो इसका आंसर रहेगा वन प्री ऑपरेशनल स्टेज बट आगे जो थर्ड स्टेज होती है वो मूर्ख संक्रियात्मक होती है कंक्रीट ऑपरेशनल जिसका टाइम होता है सात से ग्यारह वर्ष और लास्ट जो स्टेज है जीन प्याजे की डेट इज औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज जिसका टाइम होता है ग्यारह से पंद्रह वर्ष तो भाई जीन प्याजे तो मैं कहती हूं लिख के ले लो पेपर में एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे सीटेट के एग्जाम में तो बहुत अच्छे से करें जीन प्याजे और जीन प्याजे की जो असीमुलेशन है एक्मोडेशन है वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने बहुत डिटेल से जीन प्याजे को करवा रखा है प्लस एक क्वेश्चन है सीटेट के पिछली बार आया था कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंसी होती है जो वस्तु वस्तुस्थायित्व होता है वो जीन प्याजे की किस एज में आता है तो ध्यान रखना वो जीन प्याजे की सेंसोरी मोटर एज में आता है संवेदी पेशी अवस्था में आता है ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में रिपीटेड है तो जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन नेक्स्ट है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है तो ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में से क्वेश्चन लिया गया है तो यू नो वेल चाइल्ड डेवलपमेंट सामान्य से विशेष जनरल टू स्पेसिफिक होता है ये चीज़ आपको ध्यान रखना कई बार ऑप्शन होता है स्पेसिफिक टू जनरल हमें ना एक बार कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज में से है या नहीं है तो चार ऑप्शन आपको गिवन होते हैं तो कई बार बच्चा ध्यान नहीं रहता जनरल टू स्पेसिफिक की बजाय स्पेसिफिक टू जनरल को भी टिक कर देते हैं बट ध्यान रखना जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है क्योंकि जो, जो बच्चा है यू you नो know, पहले छोटी छोटी अपनी एक्टिविटीज करता है बच्चा पहले लेटा रहता है फिर वो करवट लेता है घुटने केबल चलता है फिर पैदल चलता है तो जनरल एक्टिविटीज से हमेशा वो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ की तरफ ही जाता है तो जो डेवलपमेंट प्रोसीड करता है जनरल टू स्पेसिफिक नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है वाईगोस्ती का कॉन्सेप्ट है जब वयस्क वयस्क मतलब जो अडल्ट होते हैं सहयोग से सामंजस्य प्राप्त कर लेते हैं मतलब आपको ध्यान रखना जहां भी सहयोग आ जाता है ना जहां भी असिस्टेंट कुछ आ जाती है तो इसका मतलब और सामाजिक संस्कृति का कुछ भी कॉन्सेप्ट आए तो वो कॉन्सेप्ट वाइगोस्की से ही रिलेटेड मिलेगा मान लो आपको ना आता हो तो भी आप तुक्का मार सकते हो तो बच्चे के वर्तमान स्तर पर क्षमता के स्तर को प्रदर्शन से प्रगति की ओर सुगम बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है प्रोक्सीमोल डेवलपमेंट स्कैफ फोल्डिंग या सहभागी लर्निंग या फिर कोलेबरेटिव या सहयोगात्मक लर्निंग तो ध्यान से सीखो इसमें क्या कह रहा है कि अडल्ट है वो एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटीज जो भी सिचुएशन उसको प्रोवाइड की जाती है तो ये जो प्रोसेसिंग होती है स्केफ फोल्डिंग मैंने ना काफी बार आपको समझा रखा है वाई गोस्ती में दो चीजें हैं एक तो जेडपीडी जेडपीडी और दूसरा जो है वाई गोस्ती कॉन्सेप्ट है डेट इज स्केफ फोल्डिंग तो जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट आप कई बच्चों को इसका आंसर प्रोक्सीमल डेवलपमेंट भी लग रहा होगा लेकिन प्रोक्सीमल डेवलपमेंट में क्या होता है कि बच्चा यहाँ है और वाई की कहता है कि बच्चा कुछ भी सीखे तो दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए अब यहाँ से दूसरों की हेल्प लेके यहाँ तक जाता है तो बीच का जो उसका क्षेत्र तैयार होता है वो तो जेड कहलाता है और जो ये प्रोसेसिंग है जो प्रगति है जो क्रम है जो क्रिया है जिसमें वो क्षमता का प्रदर्शन करता है वो चीज़ स्कैप फोल्डिंग कहलाती है तो इस सेम क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि प्रदर्शन संभावित क्षमता तो ये क्या कहलाती है स्कैप फोल्डिंग कहलाती है नेक्स्ट है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ तो नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान जो स्कीमा है उसमें जो बदलाव की जो प्रोसेसिंग होती है तो गाइस ध्यान से देखना जब भी कहीं बदलाव की बात आती है ना तो बदलाव की जब बात आती है तो वो हमेशा अकोमोडेशन होता है समायोजन होता है यहां से तो आप जितने स्टार लगाओ उतने कम एग्जाम में हर बार कंफर्म क्वेश्चन आएगा ठीक है इसके अंदर क्या है आपको ध्यान रखना किसी भी चीज को जब हम एज इट इज हू बच्चा थोड़ा बहुत सीखता है तो असिमुलेशन होता है लेकिन जब उसमें परिवर्तन कर लेता है ना तो परिवर्तन हमेशा क्या कहलाता है अकमोडेशन कहलाता है ठीक है नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बजाय अधिक होता है जो मध्य बाल्यावस्था होती है तो जब हमने चाइल्ड डेवलपमेंट का चैप्टर किया था जिस भी बच्चे ने यदि सीडीपी की डिटेल वीडियोस को मेरी देखा है तो रियली ये पेपर कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है बिल्कुल सरफेस लेवल पे ये पेपर है अब ध्यान से देखो मध्य बाल्यावस्था में जब मैंने मध्य बाल्यावस्था का मतलब जैसे आपसे तीन पार्ट हैं तो प्री होता है पोस्ट होता है तो बीच वाली डेट इज कॉल्ड मध्य अब मध्य बाल्यावस्था में बच्चा जो चाइल्डहुड में कैसा होता है यू नो वेल बच्चा समाजीकृत ज्यादा नहीं होता हमेशा मतलब अपने आप में ज्यादा होता है वो इगो सेंट्रिक होता है इगो सेंट्रिक मतलब अपने आप को ज्यादा समझता है अपनी इच्छाओं को देखा ना अपने छः सात सात आठ साल वाले बच्चे खुद को स्मार्ट समझते हैं कि मैं जो हूँ वही ठीक हूँ तो लाइक दिस तो ये इसी टाइप का बच्चा होता है मध्य बाल्यावस्था में तो क्वेश्चन है मध्य बाल्यावस्था में भाषा की बजाय अधिक होती है तो समाजीकरण की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है क्योंकि बच्चा अपने आप को ज्यादा समझता है तो समाजीकृत की बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है अहम केंद्रित मतलब बच्चा अपनी रुचि अपने इंटरेस्ट अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखता है अपने अकॉर्डिंग वो चीजों को सोचता है दैट इज अहम केंद्रित अपने आप को स्मार्ट समझना नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होता है यू नो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एवरीबडी नोज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वो होती है जहाँ बच्चे की रुचि बच्चे के इंटरेस्ट बच्चे की, की गतिविधियों को ध्यान में रखा जाए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ही जो है स्टूडेंट होता है चाइल्ड सेंटर जोन डी का कॉन्सेप्ट है ये ये भी ध्यान रखना जो बाल केंद्रित शिक्षा का कॉन्सेप्ट है ये जोन डी ने दिया है जोन डी वही जो प्रोजेक्ट मैथड वाले हैं तो बच्चे ही एक्टिव रहने चाहिए और ऐसे क्वेश्चन को करने का एक सीधा सा तरीका होता है यू शुड एलिमिनेट द ऑप्शन आपको कुछ नहीं समझ में ऑप्शन एलिमिनेट कर दो कि बच्चा कोने में तो बैठेगा नहीं ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा तो बचा ये नेक्स्ट कक्षा अध्यापक ने राघव को कक्षा में अपने कीबोर्ड के द्वारा स्वयं संगीत तैयार करके बजाते हुए देखा तो कक्षा अध्यापक ने विचार किया अब ध्यान से देखो यहाँ पर राघव नाम का बच्चा है वो खुद से म्यूजिक बजा रहा है यह क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर से कल ही मैंने हार्वर्ड गार्डनर की नाइन बुद्धि का डिटेल से करवाया था और मैंने कहा था यहाँ से सीटेट में हंड्रेड क्वेश्चन आता और हंड्रेड आया हुआ देखो अब यहाँ पर क्या है म्यूजिक बजा रहा है मतलब उसके अंदर एक एबिलिटी थी कि उसने अपना रिदम बनाया अपना लय बनाया तो इसका मतलब उसमें कौन सी बुद्धि है म्यूजिकल बुद्धि है स्पेशल बुद्धि स्थानिक होती है जो स्थानों से रिलेटेड जैसे रोड मैप बनाने वाले बॉडी कायनास्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी आता है इसमें शरीर की गतिविधियों को प्रॉपर ध्यान में रखा जाता है बॉडी मूवमेंट्स जैसे कि जिम्नास्टिक करने वाले लोग हैं योगा करने वाले लोग हैं तो दिस टाइप ऑफ जो पर्सन होते हैं उसमें बॉडी काइनास्टिक इंटेलिजेंट होती है लिंग्विस्टिक भाषा ही यू भाषा से रिलेटेड जो बुद्धि होती है नेक्स्ट है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह दर्शाता है ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को ही पढ़ के ऐसा नहीं होता भाई बॉयज आर द बेस्ट एंड गर्ल्स आर नॉट बेस्ट इन मैथमेटिक्स ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है कोई भी आंख बंद करके उसका आ, 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 आंसर लगा देना जेंडर बाइसिस क्योंकि ये शिक्षा में मतलब क्या दिखा रहा है लैंगिक पूर्वाग्रह को दिखा रहा है लैंगिक पक्षपात को दिखा रहा है क्योंकि शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब में बराबर हो सकते हैं ऐसा नहीं है लड़कियां लड़के सब इंटेलिजेंट हो सकते हैं तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आपको पेपर में आए ना जिसमें ये बोले ऐसा नहीं ऐसा है मतलब थोप रखी हो बात को तो वो जेंडर बाइसिस होगा जिसमें हम अपने इंटरेस्ट से कुछ कर रहे हैं डेट इज़ आवर इंटरेस्ट वो हमारी रुचि होगी लेकिन जब वी आर गर्ल हमें कहा जाए कि मुझे मैं कहूं मुझे ये पसंद है मुझे ये पसंद है वो मेरी रुचि है लेकिन कोई कहीं नहीं तुझे तो यही करना है तो वो मेरी रुचि नहीं है ध्यान रखना वो क्वेश्चन क्या होगा जेंडर बाइसिस का कि वो लैंगिक पक्षपात को दिखाता है नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा मतलब जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है हमें अनुरूप बदलना सिखाती है तो एवरी बड़ी नोज एवरी बड़ी नोज इंक्लूसिव जो एजुकेशन होती है वो हाँ व्यवस्था होती है हमें किसके अनुरूप बदलती है भाई बच्चे के अनुरूप तो फिलिंग इन द ब्लैंक में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आप ध्यान से देखो दो फिलिंग इन द ब्लैंक होते हैं आप एक में तो आपकी सेटिंग पक्का पक्का बैठ जाएगी ध्यान से देखो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को अनुरूप बदलना चाहिए तो हमें पता भाई किसके अनुरूप बदलना चाहिए बच्चे के तो जिसमें लास्ट में बच्चा वो ही अपना आंसर होगा सीधी सी बात आंसर क्या होगा दो तो समावेशी शिक्षा कि हमें जो व्यवस्था होती है जो सिस्टम होती है उसको अकॉर्डिंग टू चाइल्ड सेंटर लाना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या कि सभी टाइप के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सिखाना दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन नेक्स्ट है बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता एक शिक्षक में क्या कहती है बच्चे में ज्ञान का निर्माण करना अर्थ का निर्माण करना यह एनसीएफ से क्वेश्चन लिया गया है तो एक शिक्षक है मतलब एक शिक्षक की भूमिका सेम ये क्वेश्चन हम मैं एन में डिस्कस कर चुकी हूँ कि शिक्षक की भूमिका फैसिलेटर की होती है सुगम करता जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क टू है वो कहता है कि जो एक बच्चा एक शिक्षक होता है वो एक फैसलेटर है वो सुगम करता है वो बालक के संपर्क में रह के उसकी समस्याओं को उसकी प्रॉब्लम्स को समझाता है उसको अर्थ सिखाता है मतलब उसकी हेल्प करता है पढ़ने में ठीक है मेन सेंटर्ड हमारी एजुकेशन का चाइल्ड है नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चे की नहीं है तो जो जीनियस चाइल्ड होता है जीनियस चाइल्ड का आई भी याद रखना पूछ लेते हैं वन फोर्टी या उससे अब तो जीनियस चाइल्ड का जो आई होता है उसके लिए कौन सी क्षमता नहीं पूछा है तो नहीं पूछा है तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे उच्चतर श्रेणी की मानसिक क्रिया हाँ भाई ये तो होती है उच्च आत्मज्ञान ज्ञान अफिशियंसी बच्चे में होती है निम्न निम्न अब देखो एक बच्चा प्रतिभाशाली है तो भाई उसमें कुछ भी निम्न नहीं होता ठीक है अंतरदृष्टि की समस्याएं तो आंसर हो गया सी क्योंकि वो बच्चा जीनियस है तो उसके अंदर हर चीज हाई लेवल की है कोई भी ब्लो एवरेज होने का तो सिस्टम ही नहीं है तो अपने आप ही आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है यहां से ब्लो एवरेज ठीक है नेक्स्ट है कोहल बर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत जो स्तर है जो कोहल बर्ग का स्तर है पूर्व परंपरागत कोई नैतिक निर्णय लेते ले हुए एक व्यक्ति में से किस प्रकार प्रवत होता है अब ध्यान से देखिए कोहलबर्ग के थ्री लेवल्स है यूनो प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल पोस्ट कन्वेंशनल पूर्व परंपरागत परंपरागत और पश्च परंपरागत ठीक है तीन ही तो लेवल हैं तो इसने पूर्व परंपरागत की बात बोली तो इसका मतलब हमारा माइंड सेट है पूर्व परंपरागत में हमारे दो स्टेप हैं एक तो दंड एवं आज्ञापालन वाला और एक कौन सा था दंड एवं एक था अहम केंद्रित होना बच्चे का मतलब चाइल्ड अपने आप में सेंटर होना अब ध्यान से देखो इसमें लेवल वन का कौन सा ऑप्शन है व्यक्ति की इच्छाएं ये तो लेवल वन में था ही नहीं व्यक्तिगत मूल्य ये तो फोर में था पारिवारिक उपेक्षाएं अंतर्निहित दंड तो पोटेंशियल पनिशमेंट इज इन्वॉल्व फर्स्ट लेवल में क्या है दंड एव पनिशमेंट और साधन सा या तो बच्चा मॉरल्टी दंड से सीखता है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखता है साधनों के चक्कर में सीखता है सेकंड में वो अच्छा बनना बच्चा बनने के लिए सीखता है फोर्थ लेवल में जाके वो सोसाइटी के मूल्यों के अकॉर्डिंग सीखता है फिफ्थ में सोसाइटी के संपर्क के अकॉर्डिंग सीखता है और फाइनल तो यूनिवर्सल मोरल थ्योरी होती है तो कोलबर्ग का डेवलपमेंट आप देख लेना अच्छे से नेक्स्ट है ये तो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं डिटेल कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को मतलब व्यक्तिगत भिन्नताएं मतलब इंडिविजुअल uh, डिफरेंसेस की हर बच्चा एक दूसरे से क्या होता है भाई अलग होता है एवरीबडी नोज एवरी स्टूडेंट हैविंग इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज इंडिविजुअल क्वालिटीज़ तो अधिगम क्रता की विभिन्नताओं को शिक्षा को क्या चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करवाना प्रोवाइड ए वेराइटीज ऑफ लर्निंग सिचुएशन सोल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ डिडक्टिव मेथड मोस्ट एलोग्रेथीज प्रोवाइड द फैक्ट ऑफ द स्टूडेंट आप ध्यान से देखो इंडिवीजुअल डिफरेंटिस हैं तो सीधा सीधा सा पहला ही ऑप्शन है प्रोवाइड ए वराइटी ऑफ लर्निंग ऑफ सिचुएशन इंडिविजुअुअल डिफरेंसेज का मतलब क्या एक बच्चा मंद बुद्धि है एक बच्चा लो बुद्ध है एक बच्चा कम बुद्ध है एक हाई है हर बच्चा अलग अलग है तो डेफिनेटली उनकी जरूरतों को समझते हुए उनकी योग्यताएं उनकी रुचि उनके अकॉर्डिंग उनको सर्वोत्तम विकास करवाया जाएगा तो ऑप्शन रहेगा वन नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है तो, तो, चाइल्ड तो डेवलपमेंट का सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं बिल्कुल जो विकास होते हैं वो सिस्टमेटिक चलते हैं भाई विकास के सभी क्षेत्र ऑल एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बिल्कुल विकास में मैच्योरिटी रिजल्ट अनुभव सब इंट्रेक्शन होता है बिल्कुल सभी विकास अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं आप देखो कोई भी विकास भाई एक समान गति से नहीं बढ़ता कभी फिजिकल बढ़ता है तो कभी मेंटल बढ़ता है कभी सोशल बढ़ता है तो हमेशा ये साथ साथ नहीं बोझते ध्यान रखना ये इंटरेक्टिव होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बट ये साथ साथ नहीं बढ़ते नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है आपको बताता बनाना है असेसमेंट का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है आकलन सत्तर की समाप्ति पर करना चाहिए सत्तर मतलब पूरा साल ही खत्म हो जाए नहीं भाई बीच बीच में भी करना चाहिए आंकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है यह इनबिल्ट प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग में बिल्कुल अगले ऑप्शन को देख लेते हैं असेसमेंट शुड बी डन ट्वाइस इन द अकेडमिक सेशन दो बार करनी चाहिए या आंकलन शिक्षक के द्वारा कभी नहीं करनी चाहिए यह ऑप्शन और ये ऑप्शन तो पूरा काट दिया ठीक है ऐसे ही सुई पेपर में भी दो ऑप्शन पे अटक जाती है अब ध्यान रखो दो बार करना चाहिए कुछ बच्चों को लगेगा हाँ भाई असेसमेंट तो दो बार होती है लेकिन जरूरी तो नहीं है ना मैंने कल लेसन पढ़ाया मैं तो कल ही टेस्ट लूंगी बच्चों का तो ये इनबिल्ट प्रोसेस है एजुकेशन के अंदर ऑलवेज रहती है तो ऑप्शन रहेगा बी नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत बहुत बार आता है क्रिएटिविटी से डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है क्रिएटिविटी से रिलेट होती है एवरीबडी नोस डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है आप सारी चिंतन किसी भी चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से अधिक अधिक तरीके से तो जो क्रिएटिव होते हैं वही एक चीज को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सोचते हैं तो आप सारी चिंतन होता है ध्यान रखना डाइवर्जेंट थिंकिंग ऑलवेज क्रिएटिविटी के अंदर होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है किसी भी चीज को फैक्चुअल सही ढंग से सोचना लिमिटेड सोचना इज कन्वर्जेंट और जो इंटेलिजेंस होती है ये क्वेश्चन भी याद रख लेना इंटेलिजेंस जो इंक्लूड करती है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग को इंक्लूड करती है ठीक है तो इंटेलिजेंस इंक्लूड्स कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी इंक्लूड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन वाई गोस्की से आप सहमत होते हो मतलब विच इज द राइट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू वाइगोस्क बच्चे समवयस्क और व्यस्को के साथ अंत क्रियाओं से समझते हैं आकर्षक पुरस्कार से समझते हैं नई वाई गोस्ट के कॉन्सेप्ट तो होगा भाई सबने कि वाई की कहता है और वाई की बहुत इंपॉर्टेंट है वाई गोस्ट, की, है, वाई गोस्ट की, की जो वीडियो है उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में छोड़ दूंगी ये तीन वीडियो वाई की जीन प्यास कोहलबार्ग वैसे तो आप सी डी पी में देख लो लेकिन फिर भी लिंक मैं दे दूंगी कमेंट बॉक्स में आप ये तीनों वीडियो जरूर देख लेना पेपर में कन्फर्म क्वेश्चन है देखो आपने देखा दो दो तीन तीन क्वेश्चन आते हैं तो इसके अंदर क्या है कि बच्चे वाइगो उसकी क्या कहता है कि बच्चा खुद है खुद इतना अच्छा नहीं सीख सकता अपने जो आसपास पास हैं जो अडल्ट है अपने से बड़े हैं बच्चों को हमेशा उनसे हेल्प लेनी चाहिए तो इंट्रेक्शन होती है यही सही आंसर नेक्स्ट है बच्चे जो गाइस बहुत इजी क्वेश्चन है उनको मैं थोड़ा स्किप कर जाती हूँ वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी बहुत इजी से क्वेश्चन है ये आपको पता भाई बच्चे कैसे होते हैं जिज्ञासु होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स में ध्यान रखते हैं बड़ों का गुण तोड़ीते ये आसान सा क्वेश्चन है कि बच्चे बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं आसपास के एन्वायरमेंट में यूँ ही सीख जाते हैं बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि जब आप बच्चों की गलतियां निकालते हैं तो विच इज़ द राइट स्टूटमेंट ऐसावधानी के कारण त्रुटियां करते हैं बिल्कुल नहीं फास्ट चल रही हूं मैं त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अंग है बिल्कुल होती हैं त्रुटियां करते हैं शिक्षक को दंड देना चाहिए बिल्कुल नहीं बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन होती हैं और उन्हें काट दें और उन पर ध्यान ना दें भाई इसने पूछा है कि विच इज द राइट स्टेटमेंट कि इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट कथन सत्य है बच्चों की त्रुटियाँ शिक्षक के लिए महत्वहीन होती हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दे क्योंकि थोंडाई क्या कहता है भाई थोंडाई क्या कहता है ट्रायल एंड मतलब एरर थ्योरी में कि बार बार बच्चे गलती करते हैं त्रुटि करते हैं अभ्यास करते हैं तो भाई टीचर को गलती को क्या करना चाहिए इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि गलता गलतियाँ है क्या हैं सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है तो ध्यान रखना यहाँ पर बी ऑप्शन आएगा बच्चों की त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया की एक प्रोसेसिंग होती हैं तो उनपे ध्यान ना दें ऐसा नहीं है ध्यान तो देना चाहिए भाई गलती कर रहा है बच्चा तो ध्यान दो तो यहां पर भी ऑप्शन रहेगा कि वो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग होती है और यह बात किसने बोली है थोन डायक ने अपनी थ्योरी ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर नेक्स्ट है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा में विद्यार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें तो क्या करना चाहिए मतलब कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं अपने आप को बेस्ट समझे तो टीचर को क्या करना चाहिए भाई तो टीचर को उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए कड़े नियम बनाए बिल्कुल नहीं शिक्षार्थियों को अंग्रेजी बोले बिल्कुल नहीं आपको पता है कि हर बच्चे को एक सम्मान मिलेगा तभी तो जब हम उसकी कल्चर की ही रेस्पेक्ट करेंगे तो उसका आंसर रहेगा फोर जो बिना समझाने वाले क्वेश्चन है उनको ही मैं जल्दी स्किप कर रही हूँ सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है यदि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है तो भाई डेफिनेटली एक बंदा अलग पढ़ रहा है एक बंदा अलग पढ़ रहा है तो मूल्य अधि क्षमता अधिगम शैली और लेवल ऑफ रिफ्लेक्टिविटी ये उनका लर्निंग स्टाइल है मतलब हर बच्चा इंडिविजुअल है भाई किसी को अकेले में पढ़ना पसंद है किसी को कैसे पसंद है तो हर बच्चे की जो बुद्धि है जो थिंकिंग है अलग होता है अब मुझे है मैं म्यूजिक चला के पढ़ती हूँ मतलब सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है कोई बिल्कुल मक्खी उड़ जाए तो भी ना पढ़ पाए मतलब हर बच्चा अलग अलग होता है सबका अपना स्टाइल होता है ठीक है ना तो सब भाई मुझे तो चाहे डीजे चला के पढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है मतलब अपना कंसंट्रेशन होना चाहिए पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं डेट इट भारत में भाषिक विभिन्नता बट हाँ भाई मेरी बात पे मत जाना पढ़ना हमेशा शांति में ज़्यादा डेडिकेशन से पढ़ पाते हैं भारत में भाषिक विभिन्नता भाषिक मीन्स जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी यू नो बहुत ज़्यादा है जो लिंग्विस्टिक है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा है वो भारत के अंदर तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वन टू प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक के लिए कौन सा कथन उपयुक्त होता है तो भाई बहुभाषिकता दंडिक होता है देखो कहीं भी बहुभाषिकता वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए एक शॉर्टकट बताती हूँ बहुभाषिकता को आप कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेंगे जनरल क्या है कि हम कंफ्यूज होते हैं यार बहुत सारी भाषाएं क्लास में तो हमें अच्छा ना भी लगे बट बीइंग ए टीचर आपको बहुभाषिकता को हमेशा अच्छा करना है और भाषाओं को सम्मान देना है हर बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना है क्यों क्योंकि इससे हम लैंग्वेज को अनरिच कर सकते हैं हर लैंग्वेज सीखने का हमें मौका मिलता तो बहुभाषिकता हमारे लिए हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी नेक्स्ट है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है विच इज़ द मीन बाय द नेचर पोषण में प्रकृति पोषण में जो नेचर है इसमें क्या है प्रकृति की जैविकीय विशेषताएं वंशानुक्रम हमारे आसपास का वातावरण जो साइकोलॉजिकल फॉर्म है भाई उसमें जो बायोलॉजिकल गिवंस हेरिडिटिकल इन्फॉर्मेशन होती है वही होती है मतलब हम अपनी पर परवरिश होती है तो उसमें आपका एन्वायरमेंट आपका वातावरण आपका माहौल ये सब बहुत ज़्यादा आपको वो करता है रिलेट करता है तो आंसर रहेगा गाइज इसका टू बायोलॉजिकल गिवन हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है जो मास मीडिया है यू नो मास मीडिया आजकल तो हर टाइप का मीडिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो मास मीडिया क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि मास मीडिया से बच्चे की अभिरुचि उसके विश्वास उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज सब कुछ हमें क्या पता चल जाता है एक्सेस ऑफ मास मीडिया इज अ ग्रोइंग द मास मीडिया वैल्यूज क्योंकि जो मास मीडिया है वो समाज की जो अभिवृत्ति है जो विश्वास है उनसे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है यू नो इलेक्ट्रॉनिक फेसबुक व्हाट्सएप ये हमारे मूल्यों से बहुत प्रभावित है तो एक बहुत अफेक्टिव साधन जो है बनता जा रहा है तो सी ऑप्शन है कुछ नहीं है सीधे सीधे आंसर्स हैं बिल्कुल बच्चे किस प्रकार सीखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा प्रश्न सही है वे केवल कक्षा में सीखते हैं बिल्कुल भी नहीं है भाई बच्चे तब सीखते हैं जब संगनात्मक रूप से तैयार हो जब वो कॉगनेटिव रूप से रेडी हो बिल्कुल बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं नंबर ऑफ वेज बच्चे सीखते हैं क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं सेल्फ मोटिवेट होते हैं अब देखिए बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं बच्चे किस प्रकार सीखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा विषय सही नहीं है ध्यान से देखो इसने पूछा विच इज नॉट द राइट स्टेटमेंट सही नहीं है तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं बिल्कुल भी नहीं को कक्षा के बाहर भी सीखते हैं ग्राउंड में भी सीखते हैं प्ले ग्राउंड में भी सीखते हैं जब उनका कोगनेटिव इंटरेस्ट होता है तब भी सीखते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से सीखते हैं स्वाभाविक रूप से मोटिवेट होते हैं यूट्यूब से भी सीखते हैं तो भाई पहला ऑप्शन ही है क्लियर क्लियर नहीं पूछा है जब नहीं पूछा जाए तो फोकस कि ये, ये होता है ये होता है ये होता है तो यही नहीं होता पूछे कौन सा होता है तो तीन ऑप्शन नेगेटिव होंगे और एक ऑप्शन पॉजिटिव होगा नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है ठीक है प्राथमिक मतलब वन टू फाइव प्रत्येक विद्यार्थी को अंक लाने के लिए कॉम्पिटिशन करवाएं बिल्कुल नहीं पी वाले बच्चों को प्रत्येक गतिविधि के अनुरूप प्रोत्साहन दंड पुरस्कार दें बच्चे की रुचियों के अनुसार जहाँ भी बच्चे की रुचि है आंख बंद करके कह दो भाई बढ़िया है क्यों चूँकि चाइल्ड सेंटर्ड है और सीटेड क्या कहता है भाई आपको आंसर कैसा देना है चाइल्ड सेंटर्ड तो ऑप्शन रहेगा थर्ड निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारक है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यू नो आवर फैमिली हमारी फैमिली एक पहला फैक्टर है कई सोचे कि ये हेरिडिटी राजनीतिक दल फैमिली इज अ फर्स्ट फैक्टर ऑफ सोशलाइजेशन फैमिली के बाद हम एनवायरमेंट पे निकलते हैं खेल का मैदान ये वो बच्चों के समूह कार्य करने का एक प्रभावी शिक्षण रणनीति होता है बच्चा जो ग्रुप में कार्य करता है तो उसकी प्रभावी शिक्षक रणनीति शिक्षक का काम कम हो जाता है शिक्षक बच्चों पर हावी होने की अनुमति नहीं होती सीखने की प्रक्रिया एक दूसरे की बिल्कुल भाई जब आप समूह में सीखते हैं तो डेफ़िनेटली आप एक दूसरे के साथ इंट्रेक्शन करते हैं तो एक दूसरे की स्किल्स को सीखते हैं इसमें आपके ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं मानवीय मूल्य होते हैं दूसरों को हेल्प करना होता है ये सब भी आप बहुत बेटर तरीके से सीख सकते हो जब आप एक दूसरे क्या करते हैं हेल्प करते हैं तो ये सीखना हमेशा इंट्रेक्शन होता है एंड द लास्ट क्वेश्चन एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत करता है तो डिसेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कन्फर्म है सीटेट में कह आता है तो एक बच्चा है पढ़ने में कठिनाई होता है तो पढ़ने में जो कठिनाई होती है वो डिस्कलेक्सिया कहलाती है लिखने में जो कठिनाई होती, हो होती है वो डिस्क्राफिया कहलाती है मैथ्स में जो कठिनाई होती है वो डिस्कैलक्युलिया कहलाती है और डिस्प्रेक्सिया जो चलने संबंधी जो गति में जो कठिनाई होती है डेट इज कॉल्ड डिस्प्रेक्सिया तो लर्निंग डिसेबिलिटीज भी जरूर आती है अब गाइज मैंने थर्टी क्वेश्चन आपको डील करवाए हैं और मुझे लगता है कि मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि जो मेरी सी की नाइनटी वीडियो आपने देखी है या सिर्फ मेरी दस घंटे वाली क्लास भी देखी है तो यू विल गेट ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन फ्रॉम पर्टिकुलर माई वीडियो इन सी टेट एस टेट यू पी टेट एन आर टेट तो आप सी डी पी की वीडियोज को अच्छे से कर लेते हैं तो साइको सेक्शन आपका बहुत बढ़िया निकलेगा सो so, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी पेपर की मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आई विल वेट फॉर यूर कमेंट्स जब यार कमेंट्स नहीं मिलते सीरियसली री नहीं होती मैं न्यू वीडियोज़ बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा पेपर सोल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें भाई टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड है आपको बहुत बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी और अपने स्टडी ग्रुप में गाइस शेयर जरूर करें क्योंकि प्रीवियस ईयर का पेपर बेस होता है इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है सो हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच Keep watching, stay connected with me. Bye bye, take care.